और आपको बता देते हैं बड़ी खबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। आज जैसा मैंने आपको उनका कार्यक्रम बताया कि वहां जो टूम ऑफ द फॉरगॉटन सोल्जर है वहां पर जाकर उन्होंने किस तरह से रूसी सैनिकों को नमन किया और उसके बाद अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। अब ये एक बायलैटरल बैठक है, ये एक बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय वार्ता अब यहां पर शुरू होगी और इसके तुरंत बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के लिए रवाना हो जाएंगे। तो एक अहम तस्वीर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति की दिखा रहे हैं। ये औपचारिक मुलाकात है, लेकिन जो अनौपचारिक मुलाकात कल हुई उसमें आपने देखा कि कैसे नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच एक गर्मजोशी नजर आई है। ये वो तस्वीर है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी नजर है, क्योंकि कई बार जो औपचारिक मुलाकातें नहीं कर पाती हैं, ऐसी अनौपचारिक मुलाकातें कर गुजरती हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। वैसे तो ये दो शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन इनकी केमिस्ट्री बता रही है कि ये दो नेताओं की नहीं बल्कि दो दोस्तों की मुलाकात है। जो जब भी मिलते हैं अंदाज वही पुराना होता है, स्वागत गर्मजोशी वाला होता है, बॉन्डिंग दोस्ती वाली होती है। मुलाकात के दौरान चेहरे पर दिखी खुशी बता रही है कि इसका इंतजार दोनों को काफी वक्त से था। मित्र के घर आना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खुशी का अवसर होता है, और मुझे आपने अपने घर पर निमंत्रित किया और आज की शाम हम साथ में गप्पे मारे इसलिए आपने तय किया। इस कार्यक्रम की रचना के लिए और मुझे घर पर बुलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ। मोदी के रूस दौरे को लेकर जितना उत्साहित रूस में रह रहे भारतीय समुदाय के लोग थे, उससे ज्यादा रूस के राष्ट्रपति पुतिन थे। जब पीएम मोदी मॉस्को पहुंचे तो देखिए कैसे हाथ मिलाने के बाद ठीक किसी दोस्त की तरह दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते कैमरे में कैद हुए। हर मुलाकात के साथ दोनों नेताओं की दोस्ती गहरी और गहरी होती जा रही है, संबंध अच्छे और मजबूत होते जा रहे हैं। इसकी गवाही ये तस्वीर दे रही है, जब पीएम मोदी को पुतिन अपना घर घुमा रहे थे उस दौरान गोल्फ कार से सैर भी कराई। इन तस्वीरों में सबसे खास था पुतिन का ड्राइविंग सीट पर बैठना और मोदी का बगल वाली सीट पर बैठना, यानी जय वीरू की जोड़ी। सब जानते हैं कि पुतिन घुड़सवारी का शौक रखते हैं और इसके लिए उनके आवास पर अलग से घोड़ों का अस्तबल भी है। पुतिन ने पीएम को अस्तबल के बारे में विस्तार से बताया। जब आपका दोस्त सफलता हासिल करता है तो वो दोस्त ही होता है जो सबसे ज्यादा खुश होता है, और पीएम के तीसरी बार सत्ता हासिल करने पर पुतिन ने कुछ इस अंदाज में उन्हें बधाई दी। Результат вашей работы на протяжении многих лет. У вас свои идеи, вы очень энергичный человек, вы умеете добиваться результатов в интересах Индии и индийского народа. И результат: Индия уверенно занимает третье место в мире по объему экономики. Моди Пудин ки гарден ме вок карте хуе тасвир, дону ки кемистри батане ке лие кафи хе. Джаб кой нета भारत दौरे पर आता है तो मोदी खुद इस तरह आधिकारिक डिस्कशन से हटकर गार्डन में दिखाई देते हैं। रूस और भारत की दोस्ती सदियों पुरानी है, दोनों हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और समय के साथ ये दोस्ती वाला रिश्ता अब और मजबूत होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे
जोशी मठ की, जहां से बड़ी खबर आ रही है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। जोशी मठ के पास में बद्रीनाथ के रास्ते पर आपको बता दें, पहाड़ का कुछ हिस्सा दरक कर गिर गया है, जिसकी वजह से मलबा जमा हुआ है, जिसकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका है। जोशी मठ हाईवे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पहाड़ का मलबा, पहाड़ दरक कर कुछ हद तक गिरा, और उसके बाद आप देखिए कि उसका जो हिस्सा टूट कर गिरा है, उसका मलबा सड़कों पर आ चुका है। यानी कि जो लोग बद्रीनाथ गए हैं दर्शन करने के लिए, वो अभी वहीं पर फंसे हुए हैं, क्योंकि रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है एहतियात के तौर पर। और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पे कठुआ में आतंकियों को लेकर के सर्च ऑपरेशन सेना का लगातार जारी है। सेना की ओर से सुबह से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल माना यह जा रहा है कि कल जिस तरीके से आतंकी घटना को अंजाम देने के बाद आतंकी इन्हीं जंगलों का सहारा लेकर के फरार हो गए हैं, इसके बाद से जो सेना की ओर से है इन्हीं जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हर जाने आने वाले की तलाशी ली जा रही है, और डोडा के साथ साथ जो बाकी अन्य जंगल हैं उसमें सेना का तलाशी अभियान और तेज कर दिया गया है। इसके अलावा बाकी जो अलग अलग जगह है जो जंगलों को जोड़ती है, जो रास्ते जोड़ते हैं, और छोटे छोटे गाँव जो इस बीच में आते हैं, वहां पर भी सेना की ओर से जो तलाशी अभियान है वो तेज कर दिया गया है। ड्रोन की मदद ली जा रही है, इसके अलावा स्निफर्स डॉग्स की मदद ली जा रही है। हालांकि बड़ी बात दरअसल ये कि सुबह से लेकर के अब तक सर्च ऑपरेशन में फिलहाल सेना को कोई खास यहां पे सफलता हाथ नहीं लगी है, क्योंकि माना ये जा रहा है कि जो जंगल देख रहे हैं आप, ये काफी घना जंगल है, और इस घने जंगल में सर्च ऑपरेशन को चलाना, और अगर कोई इसमें छिपके बैठा हो तो उसको ढूंढ निकालना काफी मुश्किल है। लिहाजा ड्रोन की मदद ली तो जा रही है, लेकिन ये माना दरअसल जा रहा है कि सुबह से लेकर के अब तक जिस तरीके से स्निफर डॉग से लेकर के ड्रोन से लेकर के पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया है, अब तक कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है। लिहाजा ये जो सर्च ऑपरेशन है अभी आने वाले दिनों में और भी चलाया जाएगा। हालांकि बड़ी बात यहां पर ये कि बीते महीने में 10 से ज्यादा आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके बाद से हालांकि सेना की ओर से आतंकियों का फन कुचलने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन बौखलाए आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा ये जो रास्ते देख रहे हैं आप, इसी के रास्ते आगे जाने पर आपको जो आतंकियों को जो लेके सर्च ऑपरेशन है अब वो यहां पे चलाया जा रहा है। दरअसल माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर घटनाएं हो रही उसको देखते हुए सेना की ओर से भी ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। कई आतंकी यहाँ पर ढेर हो चुके हैं, चाहे बात राजौरी की करें, चाहे डोडा की, या इसके अलावा कुलगांव की, या इसके अलावा कठुआ में फिर जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यानी कि प्रयास दरअसल ये है कि जिस तरीके से आतंकी घाटी की शांति को खराब करना चाहते हैं, उधर सेना के जवानों की ओर से चुन चुन के आतंकियों से बदला लिया जा रहा है, और ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। हेलीकॉप्टर, ड्रोन, पैरा कमांडो, सेना और पुलिस, सबका लक्ष्य एक ही है, आतंकियों को उनके किए की सजा देना और आतंकियों के खात्मे के लिए उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकना। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बौखलाहट ही है कि आतंकी लगातार छिपकर सेना के जवानों को निशाना बना रहे हैं। कठुआ में आतंकियों ने ठीक वैसे ही हमले को अंजाम दिया जैसा पुंछ में कुछ दिन पहले दिया था। तस्वीरें उसी जगह की हैं जहां आतंकियों ने सेना के काफिले को निशाना बनाया। आतंकियों ने पहाड़ी में छिपकर जवानों को निशाना बनाया, पहले काफिले की गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सेना की जिस गाड़ी पर हमला हुआ है उसकी तस्वीरें देखिए। गाड़ी पर गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। गाड़ी के अंदर बिखरा खून इस बात की गवाही दे रहा है कि हमले के वक्त का मंजर क्या रहा होगा। आतंकी अटैक से पूरी गाड़ी में रखा सामान बिखर चुका है। सूत्रों के मुताबिक हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ बताया जा रहा है, साथ ही लोकल गाइड के आतंकियों की मदद करने की बात सामने आ रही है। आतंकियों की इस कायराना हरकत के बाद पूरे देश में गुस्सा है। हमारे जवानों की शहादत का बदला लेने की मांग उठ रही है, और आतंक के सरपरस्त पाकिस्तान पर एक बार फिर वही स्ट्राइक करने की मांग हो रही है, ताकि आतंक को उसके सर से पूरी तरह कुचल दिया जाए।
क्योंकि सच ये है कि वहाँ स्कूल कॉलेज सरकारी दफ्तर सब नॉर्मल चल रहे हैं, सब ठीक चल रहा है। कहीं बीच बीच में कुछ छुटपुट घटना कुछ होती है, परंतु सरकार पूरी चिंता कर रही है और जो स्थिति आज से एक साल पहले थी वैसी स्थिति आज नहीं है। आतंकियों ने फिर से कायरतापूर्ण हमला किया है, हालांकि सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था लाने में बहुत प्रयास किया था। पिछले दिनों डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कहा था कि आज भी 110 आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं। इस प्रकार की वारदातें जब होती हैं तो दुखद विषय है। सबसे पहले तो उनके परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन इन कायरों को छोड़ा नहीं जाएगा। आतंकियों की इस बौखलाहट के पीछे उन पर लगातार हो रहा एक्शन भी है। घाटी से आतंकियों का सफाया हो रहा है, आतंकियों के हाइडआउट पर एक्शन जारी है, आतंकियों के बड़े लीडर का खात्मा हो रहा है, आतंकियों के मददगारों पर लगातार एक्शन हो रहा है, आतंकियों की दहशतगर्दी पर नकेल कसी जा रही है। लेकिन जिस तरह से आतंकियों ने कायराना हरकत की है और सुरक्षा में तैनात हमारे जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उसके बाद ये तय हुआ है कि उस बलिदान का बदला लिया जाएगा और आतंकियों को उनके घर में घुस कर मारा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।